नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 19 मार्च 2018 के करंट अफेयर्स पे। तो आइए देखते हैं आज 19 मार्च को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करेंट अफेयर का पार्ट हैं। इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करके इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करेंट अफेयर सेशन से लाभान्वित हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2018 से 21 के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कोर्ट का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये व्यक्ति हैं एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। तो आपको याद रखना है कि एन चंद्रशेखरन को भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कोर्ट का अध्यक्ष चुना गया है 2018 से 21 के लिए, और ये इस बार के सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि एन चंद्रशेखरन भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कोर्ट के 8वें अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने लंदन में आयोजित हुए टंग्स ऑफ फायर यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में यूके गोल्डन फिल्म अवार्ड जीता? तो ये अभिनेत्री हैं सिमी ग्रेवाल। तो आपको याद रखना है कि भारतीय अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने लंदन में आयोजित हुए टंग्स ऑफ फायर यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में यूके गोल्डन फिल्म अवार्ड जीता है। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आगामी सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने यात्रियों द्वारा हवाई अड्डों में खो गए या भूल जाने वाले सामानों को ढूंढने के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो ये मोबाइल ऐप है लास्ट एंड फाउंड। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ने यात्रियों द्वारा हवाई अड्डों में खो गए या भूल जाने वाले सामानों को ढूंढने के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु लास्ट एंड फाउंड नामक एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं CISF की। देखिए CISF का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। तो आपको याद रखना है कि CISF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाल ही में CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने यात्रियों द्वारा हवाई अड्डों में खो गए या भूल जाने वाले सामानों को ढूंढने के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु लास्ट एंड फाउंड नामक एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क 2018 यानी कि इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क 2018 के 17वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह स्थान है नई दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क 2018 यानी कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क 2018 के 17वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसके आयोजन की तारीख रहेगी 21 मार्च से 23 मार्च 2018। और एक और खास बात आपको याद रखनी है कि भारत जो है ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी कि इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट अपॉइंटमेंट एग्जाम में जरूर पूछता है। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क 2018 के 17वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होगा और इसके आयोजन की तारीख 21 मार्च से 23 मार्च 2018 रहेगी। अगला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज का, जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, कि फीफा अंडर 20 विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश है पोलैंड। तो आपको याद रखना है कि फीफा अंडर 20 विश्व कप 2019 की मेजबानी पोलैंड करेगा, और ये देखिएगा आपको जो है हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, पहले भारत ने जो है इसके मेजबानी की दावेदारी की थी, लेकिन फीफा ने जो है ये जिम्मेदारी दे दी है पोलैंड को। तो आपको याद रखना है कि पोलैंड जो है ये 2019 में फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। अब बात करते हैं फीफा की। देखिए, फीफा के प्रेसिडेंट हैं गिन्नी इन्फेंटिनो और फीफा में जो है 211 सदस्य देश हैं और फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं पोलैंड की। देखिए, पोलैंड की कैपिटल है वारसा और पोलैंड की करेंसी यानी कि मुद्रा है पोलिस ज्लोटी। तो
तो आपको पोलैंड के बारे में और फीफा के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि पोलैंड जो है ये 2019 में फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये राज्य सरकार है महाराष्ट्र सरकार। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, और इसके तहत आप जो है प्लास्टिक का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं यानी कि भंडारण नहीं कर सकते हैं, इसको खरीद और बेच नहीं सकते हैं, इसका वितरण नहीं कर सकते हैं, इसको इम्पोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है याद रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, और आप इसके तहत प्रोडक्शन, यूज, स्टोरेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं प्लास्टिक का। अगर आपने ये सारे काम किए तो आप पर जो है 25,000 रुपये का जुर्माना लगा जाएगा या फिर 3 साल की जेल की सजा होगी आपको। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। और आज का आपके लिए ऑनलाइन सवाल है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के गवर्नर का क्या नाम है तथा महाराष्ट्र की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? तो देखिए, ऐसे ही मैं डेली आपसे जो है एक या दो सवाल पूछते रहता हूँ और सब लोग जो है जवाब देते रहते हैं, और उनको जो है धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम याद हो गया, गवर्नर्स का नाम याद हो गया है, और भारत के सभी राज्यों की राजधानियों के नाम याद हो गए हैं, और साथ ही साथ जो है दुनिया के विभिन्न देशों की कैपिटल और करेंसी भी याद हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है आज भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, महाराष्ट्र के गवर्नर का क्या नाम है और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉरिशस की किस राष्ट्रपति ने लग्जरी निजी सामान खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर एक घोटाले में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है अमीना गुरी फकीम। तो आपको याद रखना है कि मॉरिशस की राष्ट्रपति अमीना गुरी फकीम ने हाल ही में लग्जरी निजी सामान खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर एक घोटाले में शामिल होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और मॉरिशस की राष्ट्रपति अमीना गुरी फकीम पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने लंदन स्थित प्लेनेट अर्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके निजी खरीद, गहने और कपड़े खरीदे हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड होते हैं यानी कि चर्चा में होते हैं या फिर बहुत ही विवाद में होते हैं। तो इसी प्रकार जो है ये अमीना गुरी फकीम का नाम है, ये विवाद में आ गया है, तो इसके बारे में भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। तो आपको याद रखना है अमीना गुरी फकीम का नाम। अब बात करते हैं मॉरिशस की। देखिए, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशस रुपया और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। तो आपको मॉरिशस के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो आज का करेंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है। कल मैं फिर आपके लिए डेली करेंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। आपका काम है वीडियो को लाइक कर देना और इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर देना। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हों। थैंक यू।